अच्छा आज ना मैं आपको पेजेस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। पेजेस में डाटा फिट करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बनाना क्या। ये मैंने कल बैठ के ना स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अच्छा, ये है आइडिया कंप्यूटर कॉल वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें ये इंफॉर्मेटिव पेजेस हैं, इंफॉर्मेशन पेजेस हैं अबाउट अस, मिशन एंड विजन, अबाउट फैशन, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, हाउ इट वर्क, ट्रैक योर ऑर्डर, ठीक है। अगला हम बनाएंगे ब्लॉग का पेज। ब्लॉग क्या, उसमें हम एक कैटेगरी डालेंगे कलेक्शन की, फिर उसकी सब कैटेगरी होगी स्प्रिंग एंड समर। जी आपकी मर्जी, आप कितनी डालो, मैंने दो दो रखी हुई हैं, एक फर्स्ट कैटेगरी फिर उनकी सब कैटेगरी टू, ठीक है। इसी तरह मैंने ब्यूटी स्टाइल, फिर उसमें ब्यूटी टिप्स, होम स्पा, पीपल एंड पार्टीज, ठीक है। थर्ड हम बनाएंगे शॉप पेज। वहाँ पे क्या है, हमने मैंने चार कैटेगरीज मेन रखी हैं, फिर उनके अंदर दो सब कैटेगरीज रखी हैं। पहली क्या है, मेंस वियर जीन्स शर्ट्स, वुमेन वियर अनस्टिच फैब्रिक टॉप, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, ठीक है। इसमें ठीक, हाँ अच्छा जी, नीचे साथ आपके मैंने ये लिंक्स दे दिए हैं हम जहाँ से डाटा कॉपी करेंगे, ठीक है। हम ये वाला डाटा कॉपी करेंगे। ब्लॉग के लिए हम यहाँ से फैशन सेंट्रल से डाटा उठाएंगे, और इंफॉर्मेशन पेजेस के लिए हम बलवाल फैब्रिक्स उठाएंगे, और शॉप के लिए हम ये orlet.com से उठाएंगे। अच्छा अब एक बात पहले बताऊँ मैं आपको, ये साइट एक बनेगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन पेज ये जो है, हम कोई एक चीज कर लें, सपोज हम ये कर लेते हैं कि हम इसमें ये बिजनेस पेजेस भी कवर हो रहे हैं आपके, ब्लॉग भी कवर हो रहा है आपका, और आपकी ये शॉप भी बन रही है। लेकिन अक्सर पता है क्या होता है, अगर हम ई कॉमर्स की खाली वेबसाइट बनाए ना, ई कॉमर्स की लाइक, अगर हम ई कॉमर्स की खाली वेबसाइट बनाए तो वो सिर्फ शॉप्स के उसके अंदर ये चीजें होती हैं कैटेगरी, ब्लॉग नहीं होता। ब्लॉग के लिए उन्होंने अपनी सब डोमेन एक लेकर, इसी डोमेन के ऊपर सब डोमेन बनाकर, ये है ना, अब आप ये शॉप है, देखो ये खाली शॉप है, इसके अंदर नीचे आप आओगे तो यहाँ उन्होंने बनाए होंगे पेजेस लाइक, ये देखो अबाउट अस, सम आइकॉन्स, चेकआउट, प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने नहीं दिया, हम डालते हैं, ये डालनी होती है, रिफंड पॉलिसी भी हमें डालनी होती है, टर्म कंडीशन भी डालनी होती है, ठीक है, इन्होंने नहीं डाले, हम डालेंगे। तो वो पेजेस यहाँ पे हो रहे थे, लेकिन अब इनका ब्लॉग जो है ना, वो इन्होंने इन्होंने बनाया नहीं हुआ, इस वेबसाइट ने ब्लॉग नहीं बनाया अपना, लेकिन SEO के लिए ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में फर्स्ट आए जो भी है गूगल की, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी वेबसाइट के साथ ब्लॉग भी जुड़ा हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट के साथ। अब ये हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट तो नहीं इसके साथ ही बना सकते हैं, यही तो होते हैं, चलो इसी के साथ बना देते हैं, लेकिन असल तरीका ये है कि आप यहाँ पे हम इसके साथ सब डोमेन बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हम सब डोमेन कैसे होगी, blog.orlet.com। अगर हम orlet.com खोलेंगे तो हमारी सिर्फ शॉपिंग की वेबसाइट चलेगी, लेकिन अगर blog.orlet.com चलाएंगे तो हमारा ब्लॉग सिर्फ आएगा। ये हमारी SEO के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास, हमने ये चीजें एक ही चीज में कवर करेंगे, लेकिन आपको मैं, आप अगर करना चाहोगे ना, तो आपके लिए ये है कि आप ब्लॉग का अलग बना लो, दो बना लो आप, ठीक है। एक में हम ई कॉमर्स की सारी बना लेंगे और इंफॉर्मेशन पेजेस बना लेंगे, ब्लॉग के लिए आप अलग बना लो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखो अगर मैं draz.pk खोलूंगा तो मेरी सिर्फ ई कॉमर्स की साइट आ जाएगी, और अगर मैं इसके साथ ब्लॉग, ये सब डोमेन बन गई है, ये आपको बाद में बताऊंगा सब डोमेन कैसे बनती है, ठीक है। ये सब डोमेन बन गई है, ये देखो इस पे आप आओगे तो सिर्फ आपका ब्लॉग चल रहा है, कोई शॉपिंग कार्ट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन पेजेस भी नहीं उन्होंने दिए हुए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको अपनी इस पे शॉपिंग वाली वेबसाइट पे ले आएंगे। डिफरेंस समझ आई बात की, क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ ब्लॉग चल रहा है इसमें, हाँ। लेकिन हमारी अब, हमारे पास तो अभी हम ऑनलाइन काम नहीं कर रहे,
तो हम क्या करेंगे, एक ही वेबसाइट के ऊपर बना लेंगे, ब्लॉग भी बना लेंगे, शॉपिंग साइट भी बना लेंगे और ई कॉमर्स पेजेस भी बना लेंगे। लेकिन अगर जब बना लेंगे फिर आपने मुझे अलग बना के रखना, समझ आई? आपका ये टास्क है कि आपने मुझे अलग बना के रखना है, आपने मुझे इस तरह बना के रखना है। एक पे आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी और उसके अंदर जिस तरह ये आ रहे हैं ना पेजेस, ये आपके इंफॉर्मेशन पेजेस होंगे और शॉपिंग की वेबसाइट होगी। फिर आपने मुझे एक ब्लॉग बना के रखना है, ठीक है, ये आपका टास्क है। और फिर आपने मैं आपको आपने मुझे इस तरह लिंक करके दिखाना है कि अगर वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्लॉग का लिंक भी शायद दिया हो, नहीं दिया, लेकिन आपने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर अपनी शॉप वाली वेबसाइट को जोड़ना है, मेन्यू में लिंक लगाना, उस पर क्लिक करोगे तो दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे बात समझिए, ये देखो ये वेबसाइट जो है ना ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, टोटली वर्डप्रेस पे। और हर चीज है इस वेबसाइट पर, ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने वो आप देखा था आपके लिए थीम चेंज किया था, थीम मैंने चेंज कर दिया, थीम मैंने ये वाला कर दिया शॉप प्लस, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या आपकी इसका डिजाइन, इसमें जो मैंने वो स्टार्ट पेज वाला वो इसलिए छोड़ा कि उसमें मेन्यू भी एक था, आपको दो मेन्यू का भी तरीका बताऊंगा कि अगर किसी थीम में दो मेन्यू है तो उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसमें ये हमारा फुटर भी नहीं था, उसमें सिर्फ ये था, ये चीज नहीं थी। मुझे हमने ये आपको ये भी बताना है कि आप ये यूटिलाइज कैसे करोगे, ठीक है। ब्लॉग आप सेम इस तरह का बना के दिखाओगे मुझे। अब ये जो मैंने ये सारा ब्लॉग बना हुआ ई कॉमर्स के, इसमें अलग से ये देखो ई कॉमर्स का अलग एक पेज पे हम भी इस तरह करेंगे ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या हम इस तरह करेंगे। शॉप भी बनी हुई है और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये ब्लॉग भी, ये कैटेगरीज बनी हुई है, आपको ये ब्लॉग की कैटेगरीज हैं। मैं आपको ये बताने का, ये देखो ये मैंने लिंक्स रख दिए नीचे, हमें जहाँ से डेटा कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा जी, आज शुरू करते हैं हम, थीम आपको इंस्टॉलेशन आ गई है, थीम आपको ये मैं दे दूंगा आपने या डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने थीम चला लिया, आपने थीम इंस्टॉल कर लिया था? हाँ, सब में हो गया, डब्ल्यू पी हाई फोन। अच्छा ये देखो, ये बाद में बताऊंगा अभी नहीं। अच्छा जी, ये पेजेस आपके पेजेस मैंने कल आपको डिफरेंस बताया था कि यहाँ पर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन पेजेस डाल सकते हो, इनकी कैटेगरीज नहीं होती। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में आपकी कैटेगरीज भी होती हैं और टैग्स भी होते हैं। ये कैटेगरीज और टैग्स आपको जब इस पे काम करूंगा फिर बताऊंगा। अभी हम जाएंगे पेजेस पे, ठीक है। ये देखो पहला पेज आपका जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो सैंपल पेज बन जाता है, हमने इसे क्या करना है, क्रैश करना है। यहां से इसको परमानेंटली भी डिलीट कर लो, होता है 30 डेज के अंदर खुद ही कर देता है, लेकिन आपने जो डिलीट करना है वो परमानेंटली डिलीट करना है अगर आपको नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम आगे वापस। अब ये देखो ये क्या आ रहा है, ऑथर ये आ रहा है, यहाँ पे आपका टाइटल आएगा पेज का, यहाँ पे ऑथर जिसने वो पेज बनाया है यूजर ने उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उस पेज पे जो कमेंट होंगे वो आएंगे और यहाँ पे क्या आएगी डेट। लेकिन हमने क्या पेज पे हमने कमेंट बंद किए होते हैं, हम वैसे भी नहीं देखते, तो यहाँ से हम ये स्क्रीन आपके ऊपर आ रहा है स्क्रीन ऑप्शन,
हम इस पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से कमेंट्स को खत्म कर देंगे और यहाँ से हम आपको पूछा कि एक फर्स्ट टाइम कितने पेज हो आपको, उसने फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट 20 किए हुए हैं, ठीक है, 20 किए, 20 शो होंगे, 20 फर्स्ट टाइम शो होंगे, बाकी पे पेजिनेशन लग जाएगी, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है, 20 से इंक्रीज जब कर जाएगा तो पेजिनेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमने से यहाँ से क्या खत्म किया, कमेंट्स का। अच्छा जी, अब हम अपना शुरू करते हैं, पहला पेज डालते हैं, ऐड न्यू पे करेंगे। अच्छा ये जी आपका यहाँ पे पेज का टाइटल डलता है, यहाँ पे आपकी पेज की डिस्क्रिप्शन होती है, इसे कहते हैं हम विजुअल एडिटर, ये जितना आपका हिस्सा है विजुअल एडिटर है। अब देखो हमने एक थीम किया, उसने इस विजुअल एडिटर को कुछ नहीं किया, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, कोई यहाँ पे पेज बिल्डर लगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में सारा समझाया था कि थीम के अंदर पेज बिल्डर होता है या शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, ना इसके इस पे इस थीम के शॉर्टकट है ना इस थीम के पेज बिल्डर है, बात पिक किया आपने, पिक की भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा लिखोगे वो सिंपल डाटा लिखा जाएगा, कोई एनिमेशन नहीं, कोई स्टाइल नहीं, हाँ आप खुद आप कस्टमाइजेशन अगर आती है आपको CSS वगैरह तो आप कर सकते हो, लेकिन हम अभी सिंपल करेंगे। अच्छा ये होता है आपका विजुअल एडिटर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लिखोगे तो ये आपको, यहाँ पे करोगे तो ये बोल्ड कर दिया, ये आपको होता है टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे देखो वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप ऐसे ही लिखो, तो ये लिखो, यहाँ पे आप बोल्ड, यहाँ पे HTML टैग चलेंगे आपके, यहाँ पे आपके HTML टैग चलेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं से बोल्ड कर दोगे, वापस आओ विजुअल एडिटर पे और यहाँ पे से करो बोल्ड और दोबारा टेक्स्ट पे जाओ, देखो ये HTML टैग लग गया, स्ट्रॉन्ग का टैग लग गया, वो बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे तो वो इस तरह हो जाएगा। अच्छा अब ये देखो कि अभी ये थोड़े से आइकन आ रहे हैं, इसके अंदर ये आ रहा है टूगल टूल बार, आप इसे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे और चीज़ें दे देगा, ठीक है, पैराग्राफ है, अंडरलाइन है, जस्टिफाई है, कलर टेक्स्ट कलर चेंज करने का दे देगा, पेस्ट कोई टेक्स्ट आप किसी वेबसाइट से कॉपी किया है यहाँ पे पेज एज टेक्स्ट करेगा, ठीक है, उसके अंदर से HTML टैग रिमूव कर देगा, क्योंकि हम किसी वेबसाइट से जब डाटा कॉपी करते हैं ना उसके हिडन टैग जो HTML के पीछे टैग्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कि डाटा कॉपी कैसे करते हैं, ये सारे इसके दे दिए उसने। ये क्या, ये पब्लिश का सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप टाइटल दो, टेक्स्ट लिखो और सेव एज ड्राफ्ट कर दो, यहाँ से पेज ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, पब्लिकली पब्लिश नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से वो स्टेटस बता रहा है, यहाँ से विजिबिलिटी बता रहा है कि वो पब्लिक है कि प्राइवेट, ये पब्लिक करोगे तो पब्लिकली सबको शो होगा, प्राइवेट पासवर्ड लगा दोगे तो इस पेज पे आप पासवर्ड सेट कर दो और मेन्यू में ऐड कर दो तो जिसको आप चाहते हो कि वो पेज सिर्फ वही बंदा देख सके, मतलब आपने सपोज एक यहाँ से आप पब्लिश में ये देखो यहाँ पे डेट सेट कर सकते हो किस डेट को ये आप पब्लिश करना चाहते हो, ऑटो अगर यहाँ से आप कल की डेट डेट होगा तो ये कल ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा, ये मैंने भी सेक्शन छोड़ा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पेज एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, पेज टेम्पलेट का डिज़ाइन होता है, टेम्पलेट किसे कहते हैं, आपको पेज का डिज़ाइन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस थीम में कितने डिज़ाइन है वो देख लेते हैं, एक आर्काइव का बना हुआ है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिख दो कॉन्टैक्ट अस और कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लो तो वो आपका कॉन्टैक्ट पेज बन जाएगा। आर्काइव क्या होते हैं जब पोस्ट पढ़ेंगे फिर आपको बताऊँगा। फुल विड्थ नो साइड बार, तो अंदाजा होगा पढ़ के बताओ, पूरी साइड बार नहीं है, पूरी विड्थ होगी उसकी, साइड बार नहीं हो। हम यहाँ पे थे स्टेटस, सॉरी यहाँ पे थे पेज एट्रीब्यूट पे, अब ये थीम की तरफ से उसने दिए हुए डिजाइन, साइट मैप क्या है, साइट मैप ये होता है कि जितने आपके पेजेस लिंक्स बने होते हैं ना, पेजेस पोस्ट वगैरह जितने भी हैं वो यहाँ आप साइट मैप लिख दो और ये सिलेक्ट कर लो, उस पर सारे खुद ही ऑटो आ जाते हैं, आपकी कैटेगरीज भी आ जाएंगी, पेजेस भी आ जाएंगे, ये SEO के लिए जरूरी होता है पेज, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट, ये जो पेज में ये टेम्पलेट आ रहे हैं ना, ये थीम की वजह से, वर्डप्रेस की नहीं, ठीक है, बात ठीक की आपने मेरी, लेकिन आप कल को कोई प्रीमियम थीम करते हो तो उसमें यहाँ पे आपको हो सकता है ये चीज़ भी हो, लेकिन यहाँ पे वो उसको आपको ऑप्शन दे दे कि आपने पेज बिल्डर यूज़ करना है कि ये वाला यूज़ करना है, ठीक है।
अब आप सपोज इसमें अगर आप थीम प्रीमियम थीम यूज करते हो और उसमें पेज प्लगइन है विजुअल कंपोजर, वो कहता है आपने विजुअल कंपोजर यूज करना है या आपने ऐसे कस्टम जगह लिखना है। जब आप विजुअल कंपोजर सेलेक्ट कर लोगे वो इसके ऊपर सारा चेंज कर देगा, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम शुरू हो जाएगा, एनिमेशन भी आप डाल सकते हो, स्टाइल में भी लिख सकते हो, हर चीज हो जाएगी। ठीक है, बात देख के यहाँ से हम फीचर इमेज उठाते हैं। पेज पे फीचर इमेज तो लगती नहीं, पोस्ट पे कैसे लगती है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये सेक्शन था विजिबिलिटी वाला, कमेंट छोड़ा था। यहाँ पे अगर आपने सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया है डाउनलोड, ठीक है, पेज सेव कर दिया और आप कह रहे हो कि ये मेन्यू में मैंने डाउनलोड का दिखा दिया लेकिन हर कोई इस पेज को खोल ना सके, जो भी खोले पहले इस पे क्या है पासवर्ड है और वो आप किसी किसी को दे दो, तो आपके कॉन्टेक्ट करके ई मेल में किसी को साइन कर दो या फोन करके ले लो, ठीक है, या पेमेंट के जरिए जो भी है। तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड और यहाँ पासवर्ड, ठीक है, अगर पब्लिक कर दोगे तो ये सब कुछ होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दोगे जो इस पेज का पासवर्ड होगा जब तक वो एंटर नहीं होगा ये पेज नहीं खुलेगा, ठीक है। फिर इसके साथ यहाँ पे ये आ जाएगा प्राइवेट का, ठीक है, प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में जो यूजर लॉगिन होगा ना वही इस पेज को देखेगा। अब मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं इस पेज को नहीं देख सकता, लेकिन लॉगिन कर लिया फिर इस पेज को देख सकता है। बात फिर की आपने, हो गया। ये क्या है एड मीडिया, हमने अगर कोई इमेज डालना है जो भी डालना है हम यहाँ से डालेंगे। अब यहाँ इस चीज़ में कुछ चीज़ पूछनी है पूछवा दो, समझ आ गई, मैंने कल पूछनी है साइज में आपका। ये साइड बार है इस पर क्लिक, वो ऊपर से लोड हो रही है ना इमेजेस, इमेजेस लोड हो रही है जी, है साइड में। इसमें क्या होगा कि आपने जो आपके पेजेस हैं वो आ गए हैं, आपकी जो कैटेगरीज बने हैं वो आ गए हैं, खुद ही आ गए हैं। तो पेज सेलेक्ट की बन, इसमें तो ये ओपन कार्ड है ना, इसमें तो आपने से पेज सेलेक्ट करना है वो खुद ही आपको दिखा देगा, मेन्यू वाले पेजेस सारे दिखा देगा, कैटेगरीज दिखा देगा, पोस्ट वाले पोस्ट की कैटेगरी सारी दिखा देगा, आपकी आर्चर दिखा देगा, ये सारा कुछ खुद बनाया जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप क्लिक करोगे वो डायरेक्ट पेज खुल जाएगा, ये साइट में आप देखा हमारे बात की। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे अपना, हमारे यहाँ से मैं आपको दो पेज डाल के दिखाऊंगा, बाकी आपने मुझे कल बना के ला के दिखाना, ठीक है। सपोज हम यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से इसका बॉर्डर स्पोर्ट्स कॉपी करेंगे, हम यहाँ पे टाइटल देंगे, ये देखो अभी आपने कुछ डाटा नहीं लिखा और ये क्या नीचे बन गया, इसकी परमालिंक बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी ये देखो ये खुद ही वो बन गया है, नंबर बन गया, ठीक है। हम यहाँ पे जब इसको लिखेंगे ना टाइटल देंगे और सेव कर देंगे तो खुद ही उस पर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम डाटा उठाएंगे, अब ये देखो इमेज भी कॉपी हो गया, या तो आप ऐसे कर, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये देखो इमेज कॉपी हो रही है। अब डाटा हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं पेस्ट करेंगे, ये देखो खुद ही इमेज आ गई ना, ऐसे करेंगे ये गलत है, अब इसके पीछे देखोगे HTML के टैग भी लग जाएंगे, ये देखो इमेज लग गया, ये खुद ही HTML के टैग भी लग जाते हैं। सपोज अगर मैं ये ऐसे ही ले आऊंगा ना ये खुद ही बोल्ड हो जाएगा। डाटा कॉपी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप साथ टेक्स्ट एडिटर खोल दो, नोटपैड खोल लो या Notepad++ जो भी खोलो, ड्रीमवेव वहाँ खोल लो, ठीक है। यहाँ से हम डेटा कॉपी करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ये देखो इमेज आया नहीं आया, अब हमारा ये डेटा HTML टैग्स के बगैर बिल्कुल सही परफेक्ट आया। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ चाहे तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो या इसको आप ऐसे करके भी पेस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये डेटा भी कॉपी करना है और डायरेक्ट इस पे कॉपी नहीं करना है, यहीं पे डायरेक्ट पेस्ट करना है, यहाँ
अच्छा सॉरी वो हाँ विजन में, ये देखो यहाँ पे अगर करूंगा तो इमेज आ जाएगी और HTML टैग आ गए, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर दोगे ना और यहाँ पे अब डेटा कॉपी करोगे तो वो इमेज खत्म हो जाएगा। ठीक है बात चेक की, अच्छा ये डेटा कॉपी हो गया। अब ये देखो डेटा को हम क्या करेंगे, जस्टिफाई टेक्स्ट कर देंगे। ये देखो स्पेलिंग गलत है, वो स्पेलिंग खुद यहाँ से दे देगा आपको। ठीक है अगला हमारा जी यहाँ पे ये भी है, हम ये भी कॉपी करेंगे, सारा कॉपी कर लेंगे डेटा। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे कॉपी करेंगे ना, ये देखो कोई HTML टैग नहीं लगा, सिंपल है। वहां पे देखो तो ये बोल्ट है, बल्कि अल्फा टू जहाँ जा रहा था ये बोल्ट है, हम यहाँ पे भी इसको बोल्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने इसमें किया टेक्स्ट एडिटर में कॉपी किया, अगर मैं विजन में करूंगा तो HTML टैग मेरे सारे कॉपी हो जाएंगे। बात पिक कर दी थी है ना, ये बात आपने कभी भी डेटा डायरेक्ट यहाँ से उठा के डायरेक्ट विजुअल एडिटर में पेस्ट नहीं करना, करना है तो टेक्स्ट एडिटर में करना है या नोटपैड में कॉपी करके यहाँ पे विजुअल एडिटर में कॉपी कर लो। ठीक है यहाँ तक हमारा सारा डेटा कॉपी हो गया, ये भी था। अच्छा जी अब ये पेज को हम देंगे डिफॉल्ट टेम्पलेट, डिफॉल्ट टेम्पलेट करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, राइट साइड बार लग जाएगी, इस थीम में राइट साइड बार है, डिफॉल्ट करेंगे तो इसके साथ राइट साइड बार लग जाएगी, फुल विड्थ करेंगे तो कोई साइड बार नहीं होगी, हम साइड बार के साथ ले लेंगे डिफॉल्ट साइड बार। ये क्या ऑर्डर नंबर है, आप इसको दे दो वन, पहला पेज है वन दे दो, दूसरा आपका पेज है टू, उसको टू दे दो, थ्री फोर फाइव, पेजेस तो आपके ज्यादा से ज्यादा 20 होते हैं 30 होते हैं, चलो इनकी तो आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, लेकिन अब पोस्ट हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, वो आप ऐसे ही जाने दो। ठीक है जिन इसकी भी ना करो ना तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर दो तो अच्छा रहता है, फिर जब आप यहाँ से पेज को व्यू करते हो ना वो एक सिमेट्री में आपको दिखाएगा, ऑर्डर वाइज दिखाएगा। ठीक है बात की, अच्छा हमने इसको क्या करना है, पब्लिक अबाउट अस पब्लिक, और इसको क्या करेंगे पब्लिश। ये देखो उसके साथ अबाउट अस उसने खुद ही जोड़ दिया, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसके परमानेंट लिंक में जाकर इसको हमने प्लेन कर देना, ये एंड पे करना, जब वेबसाइट बन जाएगी फिर हमने इसके परमानेंट लिंक चला देना, फिर वो आपको इसे चला दे। वापस पेजेस पे आओ तो ये देखो अबाउट अस, ठीक है ये देख मास्टर जो यूजर नेम आ गया एक मिनट पहले बना, यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो पेज के टेक्स्ट के लिए क्विक एडिट, अगर आप करना चाहते हो टाइटल चेंज करना चाहते हो या कुछ लाइक ऐसे, अगर आप क्विक एडिट करो तो यहाँ से आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप उसका स्लग चेंज कर सकते हो। अब स्लग क्या है, ये देखो ये क्या आ रहा है, ये स्लग है, इसे URL भी कहते हैं, इसे स्लग भी कहते हैं। ये देखो ये अबाउट अस, ये अबाउट अस उसका टाइटल आ गया और ये उसका स्लग आ गया। ठीक है यहाँ पे हम उसकी ये डेट भी चेंज कर सकते हैं कि कब पब्लिश हुआ, यहाँ पे अगर आप उसको कर दोगे अलाउ कमेंट तो अलाउ कमेंट शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमने नहीं दिखाने थे। यहाँ से आप उसका स्टेटस भी चेंज कर सकती हो और यहाँ से उसका सबनेट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप उसका पेरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा एक पेज बना है तो इसलिए वो सब अभी हमें मेन दिखा रहा है, अभी हम और पेज दिखाएंगे ना तो वो हमें बता देगा जी आपने किसका ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन, बताता हूँ मैं आपको, समझ आएगी आपको, यहाँ तो समझ आई बात की, पब्लिश कर दो। और अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, व्यू करके राइट क्लिक करके खोल लेंगे, अगर आप यहीं पे क्लिक कर दोगे ना तो वो इसी पेज पे पेज पे आ जाएगा डेटा का व्यू। अगर आप हमने इमेज भी लेनी है किधर गया, हम यही इमेज लगाएंगे। ठीक है अब इमेज आप जब लेते हो ना, हम क्या करते हैं इमेज भी लगाने के आपको प्रोफेशनल तरीका बताते हैं। अब आप इमेज लेते हो, सपोज नेक्स्ट लेते हो अबाउट इमेज लेते हो, इमेजेस पे आ गए, ये देखो इमेजेस आपको बेशुमार मिल जाएंगे अबाउट अस की, हम यहाँ से ले लेते हैं, हम बिजनेस ले लेते हैं, बिजनेस तो बिजनेस की इमेज आ जाएंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं अबाउट अस लाइक 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 लाइक, चलिए ये पकड़ लेते हैं।
नहीं दे दिया, अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। चलो इस इमेज का बाय डिफॉल्ट शुक्र है नाम पहले से ही है, लेकिन कई इमेजेस आप देखोगे तो वो ऐसे टेक्स्ट लिखा होता है, नंबर लिखे होते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है, लोग क्या करते हैं ऐसे ही उठाते हैं उसका, जो कि बहुत गलत है। आप इसको नाम दो अबाउट अस, ठीक है, आप इमेज को नाम दो। अब इस इमेज को आप यहाँ पे अपलोड करो, अब ये इमेज बड़ा है, तो क्या साइज है इसका, ये देखो उसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, छोटा आपका डॉ फोटोशॉप आता है यूज करने, हाँ उसमें भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको डॉप पे अब आज ही बता देता हूँ। अच्छा जी हाँ, आइए भी डाल लेना डॉप फोटोशॉप, ठीक है, काम पूरी हो गया। अब यहाँ पे हमने इमेज लगाना है छोटा सा, हमने यहाँ पे बड़ा इमेज नहीं लगाना, तो हम इमेजिन अपना साइज कर लेते हैं 400x400 का, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल एंड, यहाँ पे हम दे देंगे 400, जब आप पहली दफा करोगे ना ये इंचीज में होगा, आपने पिक्सल में इसको लेके आना, ठीक है। ठीक है, हम ये इमेज का साइज बना लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो इमेज को उठाएंगे यहाँ रख, आप अगर वो ड्रैग करोगे ना तो वो उसको यहाँ पे, ये न्यू नंबर, ठीक है। अब इसको ये लॉक लगा हुआ, हम ये लॉक भी खोल लेंगे क्लिक करके, ये लॉक लगा हुआ था इस पर, यहाँ पे ना वो लॉक लगा हुआ था, ठीक है। वो लॉक पर डबल क्लिक करोगे वो खुल जाता वो, ठीक है। अगर हम आप यहाँ से ये, अब ये ना इमेज मूव हो सकती है ना ड्रैग कहीं जा सकते, अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है। अब इमेज को यहाँ से हम ड्रैग करेंगे इसके ऊपर, अब इमेज का साइज बड़ा है, हम क्या करेंगे कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे, अगर आप शिफ्ट के बगैर करोगे तो आपके पिक्सल ये स्क्रीन की जो है ना शेप खराब हो जाएगी सारी। किसके साथ किया सर आपने, शिफ्ट के साथ, पहले कंट्रोल टी दबाया और फिर शिफ्ट के साथ किया छोटा, इमेज आ गया। अगर हम नहीं ये चाहते हैं कि वाई ये वाला ये इमेज अब खत्म कर दो, ये इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया पीछे, अब आप कह रहे हो कि ये वाला भी खत्म हो जाए, आपको मेरे ख्याल से आता होगा ट्रांसपेरेंट करना, तो ये हम पकड़ लेते हैं मैजिक टूल, मैजिक वैंड टूल ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इस पर यहाँ से क्लिक करते हैं और ये डिलीट करते हैं, देखो वो वाइट सारा डिलीट हो गया। अब ये वाला भी है, ये भी डिलीट कर दो, ये वाला भी है, ये भी डिलीट कर दो, ये आपको करना पड़ता है ढूंढ ढूंढ के, ये काफ़ी मेहनत का काम है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये आपने खुद सीखी, ठीक है। अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट डालूंगा, इसकी सेटिंग, इसकी डिजाइन को क्या कहते हैं, लंबा काम है ये खत्म करना, उसके फिर दर उसको ठीक करना, ये सारा लंबा काम है, लेकिन फिर भी ये आपने खुद करना, मैंने ट्यूटोरियल दिया वो भी दे देता, मैं आपको दोबारा देता हूँ, ये याद दिला दिया, अच्छा ये दोबारा मैंने किया, ये छोटा कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कंट्रोल शिफ्ट एस करना, अगर तो आपकी पीएनजी है जिसमें आपका ट्रांसपेरेंट है तो अब वहां से भी खुल जाता है, आप यहाँ से ड्रैग कर दो कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। अब भी बताने लगा था आपको कि अगर आपकी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वाइट ना हो पीछे,
ठीक है। तो आप यहाँ आपने ट्रांसपेरेंट अगर स्कोर, मैंने ये इमेज ट्रांसपेरेंट कर दिया था, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, पीएनजी में सेव करोगे। अगर आप जेपीजी करोगे तो इसके पीछे बैक वाइट कलर लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, पीएनजी किया है, और अब फिलहाल तो ये भी मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया था इसलिए ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंट किया है और फिर पीएनजी करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट सेव होगा, वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा उसका, ठीक है। चलो हम यहाँ से, मैं यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट इमेज ढूंढना सिखा देता हूँ, आप बात ढूंढना। यहाँ से आप कर लो बिजनेस पीएनजी, आपको पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज, ये ट्रांसपेरेंट इमेज मिल जाएगा भाई, ये देखो, ये देखो उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड नहीं है, ये आपका ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। ये समझ आ गई, ये आपने खुद करना, इमेज में आपने खुद डिजाइन करके लगाने हैं और अच्छे लगाने हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे, हमें बलवाल का रहे तो हम बलवाल का ही लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको करने के बाद आपने सेव करना है, वो सेव हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। अच्छा जी, अब हम सपोज हमने यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ बलवाल का, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, हम ये इमेज लगा लेते हैं, दोबारा एडिट करेंगे। अब हमने जहां पे इमेज लगाना है ना, हमने यहाँ पे इमेज लगाना है इस टेक्स्ट को बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, थर्ड लाइन में क्लिक करके ऐड मीडिया में जाएंगे। यहाँ पे अब ऐड मीडिया में ऑप्शन देखो आप लोग, ये यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हो, यहाँ से जो मीडिया अपलोड हुए हैं वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या क्रिएट गैलरी है, जब आप इसे क्रिएट गैलरी करोगे तो आप यहाँ से मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करके उनकी गैलरी बना के अपलोड कर सकते हो। नहीं ड्राफ्ट में नहीं, इधर ही सेव, वो आपको बताऊंगा इसका ऑप्शन बंद करना, पेजेस के अंदर ही मैं आपको एक गैलरी लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप फ्यूचर इमेज यहाँ से लेना चाहते हो तो आप फ्यूचर इमेज उठा के फ्यूचर इमेज सेट कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप थर्ड किसी और वेबसाइट की इमेज उठा के लगाना चाहते हो, ट्रैक वो मैं चाहता हूँ कि यहीं से इमेज आ गया मेरे ना आए, यहाँ से इमेज का पाथ कॉपी करो, कॉपी इमेज लोकेशन एड्रेस, ठीक है, यहाँ पेस्ट करो, इमेज का पाथ आ गया। यहाँ पे आप कैप्शन दे सकते हो, ये एसईओ के लिए जरूरी होता है, ना भी तो काम चल जाता, वो बाय डिफॉल्ट ये उठा लेगा, अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो उठा लेगा, ये एसईओ के लिए होता है। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है पता, ऑल्ट टेक्स्ट है कि अगर आपने इमेज नहीं शो हो रहा ना तो इमेज की जगह ये टेक्स्ट शो हो जाएगा, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, ये होता है। हमने लेकिन अपने ही लगानी है, अब हम क्या करेंगे, ऐड मीडिया, इनसाइड मीडिया पे जाएंगे, अपलोड अबाउट अस, अब ये देखो इमेज कॉपी हो गया। अब ये वो इमेज का यूआरएल आपको बता रहा है कि इमेज कहाँ पे कॉपी हुआ, ठीक है, फोल्डर बन गया। यहाँ पे वो उसने टाइटल खुद ही उठा लिया, कैप्शन आप दे सकते हो, कुछ भी दे दो, लाइक अबाउट अस दे दो, ठीक है। ऑल टेक्स्ट इमेज नॉट फाउंड, या आप अबाउट अस लिख लो, डिस्क्रिप्शन भी आप इस इमेज की दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से वो पूछा है अटैचमेंट डिस्प्ले सेटिंग, इसे अटैचमेंट कहता है, वर्ल्ड प्रेस जो है ना इसे अटैचमेंट कहता है, हम तो इमेज कह रहे हैं ना इमेज लगा रहे, लेकिन वर्ल्ड प्रेस इसे क्या कहता है, अटैचमेंट। आपने क्या करना है, इसको अलाइनमेंट उसकी पूछा है, लेफ्ट करनी है, सेंटर करनी है, क्या करनी है, हम क्या करेंगे राइट, हमने राइट को लगाना। अब वो पूछ रहा है कि लिंक, लिंक टू मीडिया फाइल अटैचमेंट कस्टम यूआरएल, हम इसको फिलहाल करते हैं नंग, मैं आपको ये बताऊंगा अभी, ये पता वो यहाँ पे अब उसने साइज पूछ रहा है, ये खुद उसने साइज बना दिया, 150 का उसने एक बना दिया और एक उसने 250 का हमारा अपना, हमने 250 का, हम यही करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, जेड टू मीडिया लग गया। अब आप इमेज को यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। अब वो कैप्शन दिया था हमने, वो देखो कैप्शन लग गया, ये हम कैप्शन इसलिए नहीं देंगे, कैप्शन को हम यहाँ से कैप्शन का हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, हो गया कैप्शन में। अब हम यहाँ से कहेंगे अपडेट, ये देखो ऊपर पेज आईडी आ रहा है, ठीक है भाई,
अभी डिफरेंट देखो, ये साइज इमेज का साइज देखो, अगर आप इसको 4 250 250 में कन्वर्ट करके सेव करते हो तो फिर इसका साइज देखो, क्वालिटी 100% हो सकता है ये बड़ा हैवी कर दे, लेकिन छोटा ही करेगा। आप तो बड़ी हाई क्वालिटी की इमेज करते हो ना, तो वो उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब ये मैंने किया, इसका साइज देख लो, ये 47 KB का, वो 700 KB, ऑलमोस्ट 100 MB में जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है, साइज हमेशा छोटा करके लगाओ। एक वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से आपके इमेज के साइज छोटे हो जाते हैं, इमेज का रिजल्ट खराब हुआ। अब ये कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब क्या मसला आ रहा है, टेक्स्ट को हमें जस्टिफाई करना है। हम ये सारे टेक्स्ट को पकड़ेंगे, एंटर, और उसको यहाँ से क्या करेंगे, जस्टिफाई, और दोबारा आप देखते हैं। बना पे खूबसूरती आ गई, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर खूबसूरती आए, हम मजीद इमेजेस लगा लें। आप चाहते हो एक इमेज यहाँ पे लग दिया, आप नीचे एक इमेज और लगा लो, कस्टम। अच्छा, यहाँ तक समझ आए। अब मैं आपको वो दूसरा बताने लगा था, इसका अटैचमेंट का। अब यहाँ पे हमने लिंक टू क्या किया था, डन। अगर मैं ऐसे करता हूँ, मीडिया फाइल कर दूंगा, तो आप जब प्रीमियम थीम लेते हो ना, उसमें बाय डिफॉल्ट लाइट बॉक्स होता है कि इमेज लगाओ, तो वो क्लिक करोगे तो वो लाइट बॉक्स में ओपन होगी, वो देखा होगा आपने, इमेज पॉपअप हो जाती है, उसे लाइट बॉक्स कहते हैं। अब ये देखो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज ऐसे खुलेगी, क्योंकि मैंने इसे मीडिया फाइल कर दिया। अब इसमें क्या लाइट बॉक्स नहीं हुआ हुआ, इसलिए उसने अलग खोल दिया, लेकिन अगर लाइट बॉक्स हुआ था तो इसने पॉपअप करा दिया, ये मीडिया फाइल का डिफरेंस है। अच्छा, अगर अब मैं इस इमेज को करता हूँ, अटैचमेंट, तो क्या होगा, अब इस इमेज पर क्लिक करो, अटैचमेंट आईडी 8, और वो उसने अलग, ये गलत है, ये वाला तरीका गलत है, ये करते ही नहीं। अच्छा, मीडिया फाइल करना है या आप एक और कर लो, सपोज आप चाहते हो कि इस इमेज के पीछे लिंक लग जाए। ठीक है, इस इमेज के पीछे आपका लिंक लग गया, तो आप क्या करोगे, कस्टम यूआरएल। आप यहाँ पे इसके पीछे दे सकते हो गूगल, और यहाँ से आप नीचे टिक कर सकते हो कि ओपन न्यू टैब हो। अब क्या होगा, इमेज नहीं खुलेगा, इस इमेज के पीछे जो लिंक लग गया ना, वो खुलेगा। बात पे की तीनों चीजें समझ आई हैं, गूगल का आइकन लगाया, उस पे गूगल का लगा, गूगल हो गया। अगर हम इसको, अब यहाँ पे हमने एक इमेज बनाई है, तो शुरू करते हैं इसी में लगाने। अब सपोज हम यहाँ पे एक यहाँ पे इमेज लगाने लगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये भी शिफ्ट से करना है आपने, इससे आपकी ये जो है ना, वो इमेज जो है ना खराब नहीं होगी। शिफ्ट के बगैर करोगे तो सारी वो सारी सर्कल की बजाय वो बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। ठीक है, शिफ्ट से करना है आपने। अब यहाँ पे हम इमेज लगाते हैं, ये देखो, अब यहाँ पे आपकी एक इमेज अपलोड होगी, वो आ गई आपकी। अब हम दूसरी करते हैं, दूसरी करते हैं, अभी हमने इसमें वो नहीं किया हुआ, लाइट बॉक्स नहीं किया हुआ, लेकिन हम क्या होता है कि पेजेस वाली जो इमेजेस होती है ना, वो नन नहीं रखने देते, इनके ऊपर कोई नहीं करते, मीडिया फाइल नहीं करते। अगर आपने लिंक करना है तो वो कर लो, लेकिन मीडिया फाइल नहीं करते पेजेस पे। ठीक है, अब ये इसकी उसने साइज दे दी, हम क्या करते हैं, ये वाला साइज ले लेते हैं, इमेज आ गया, लेकिन ये इमेज गलत आया, इसको ड्रैग करके हम
यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ठीक, अब आप चाहते हो कि आपका यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, सपोज ये आप चाहते हो कि टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए, तो आप इसमें यहाँ से कलर भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज देना चाहते हो हेडिंग दे हुए, तो वो हेडिंग देके आप नीचे डाल सकते हो। पेज की समझ आई आपको? अब एक पेज और बनाना है, बना लोगे आपको? ये आपका टास्क है। ये जो ग्रीन वाला कलर है ये उससे चेंज होगा इसमें? यस यस, मैं बताऊंगा, ये जरूर करूंगा। अच्छा अब ये देखो, अब क्या हुआ, अगली चीज साथ ही बता दूंगा। ये पेज बन गया, हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया। अब हम वापस इसमें आए हैं, तो हमारा क्या हुआ, नहीं वो पेज नहीं आया, और ना यहाँ मेन्यू में वो आ रहा। वो तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मेन्यू का हमने कोई सेटिंग नहीं की, ठीक है। ये भी हमने सेटिंग करनी है। अब हम एक यहाँ पे कोर पेज बना लेते हैं, उसको हम क्या देते हैं, हाँ उसको जीरो एन देते हैं, डिफॉल्ट ये नाम सजेस्ट करते हैं। और यहाँ से हम क्या, आप इसको होम को कैसे सेट करते हैं, सेटिंग्स में जाके रीडिंग में जाना है, यहाँ से हमने इसको बता देना हमारा फ्रंट पेज कौन सा है, ठीक है। अब आप इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ आई बात की? दो बार हमारा ये मेन्यू की अभी सेटिंग नहीं की ना, मेन्यू भी चलाना है। मेन्यू मैंने आपको भी नहीं करवाया कि मेन्यू को हमने कैसे सेट करना है। अभी तो मैंने पेज डालना सिखाया, पेज डालना सिखाया और होम पेज सेट किया। पेज में अब आपको एक चीज छोड़ गया, अब आपको वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बताने लगा था। ये देखो हमारे दो पेज बन गया। अगर हम यहाँ पे इसे खुद एडिट करें, तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आपका पेरेंट पेज कौन सा, ये आप यहाँ सेलेक्ट कर लो कि इसका कोई पेरेंट नहीं, यही मेन पेज है, या आप ये कर सकते हो इसका पेरेंट होम पेज है। तो हम क्या करेंगे, होम पेज किया तो देखना आपको क्या करेगा। उसने क्या करती है, नीचे लाइन लगा दी होम और उसके साथ फ्यूचर लाइन, ये लाइन वो उसने खुद बता दी कि ये होम है, ये पेरेंट क्या और ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। कैटेगरीज आपकी इसी तरह ही बनती है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप, ये वाली ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, इसे कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी देखो करना नहीं पड़ा, कोशिश मेरी होगी कि आपको कंप्लीट अच्छी साइट बना के दूं, ठीक है, और इंशाल्लाह बनेगी। तो मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ये अगर आप ये पेजेस बना, पेजेस मुझे भी बनाने पड़ने हैं, वो तो आप लोग अपने बना लाओगे। चलो ठीक है, मैं भी बना दूंगा, तो भी डाटा डाल दूंगा, लेकिन मेरे सिंपल होंगे, आप लोगों के सिंपल नहीं होने, मेरे सिंपल होंगे, आप लोगों के सिंपल। और एक चीज, सेम थीम सेम सेटिंग कॉपी करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ करो, आप अपना कर रही हो वो भी करती रहो, वो भी करो, लेकिन आप इसको भी साथ चलाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक चीज़ बन जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने कैसे काम किया था, आपके पास एक बैकअप होगा पूरा, ठीक है। अपना भी करती रहो और ये भी आपने आप शुरू कर देना, ठीक है। पेजेस में अपने आउटपुट डाल दूंगा, ताकि वो मेरे तो आए, मैंने तो एक ही डालना है।